कल्याण के अहिल्याबाई चौक पर एक युवक की हत्या कर फरार हुए दो हत्यारों को कल्याण की बाजार पेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 4 सितंबर की सुबह 4 बजे के दरमियान उस जगह पर दारू पीने से मना करने पर 24 वर्षीय अजय झल्ले रावत नामक युवक की दो अज्ञात युवकों ने मिलकर इतनी पिटाई कर दी कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाजार पेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक यशवंत चौहान ने बताया कि इस वारदात के बाद पुलिस चौकन्नी हुई और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र अहिरे की सहयोग से एपीआई प्रमोद सानप एवं एपीआई अरुण घोलप सहित पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई। सीसीटीवी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर बाजार पेट पुलिस हत्यारों तक पहुंची और हत्या में शामिल सुनील गणेश चौधरी एवं लूटो कटकुल मल्हार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी नरोत्तमपुर झारखंड के रहने वाले और कल्याण में तिलक चौक के पास रामवाड़ी में रहते थे। फिलहाल बाजार पेट पुलिस दोनों हत्यारों को तांबे में लेकर पूछताछ कर रही है। 4 सितंबर को बाजार पेट की हद में अन्नपूर्णा होटल के नज़दीक अहिल्याबाई चौक के उधर एक रात को 4 बजे एक युवक जख्मी अवस्था में मिला था। उसको पुलिस ने रुक्मिणबाई होटल में हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। उसके बाद वो सहायन हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किए और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस सिलसिले में हम लोगों ने आईपीसी 302 के तहत गुना दाखिल किया है। इस गुने की तपास में दो लोगों ने इसको मारा था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा सामने आया है। ये जो दो लोग मारने वाले आरोपी है उनका नाम सुनील चौधरी और लूटो कटकुल मल्हार, ऐसे ये दो लोग हैं। ये दो लोग मृतक के पास दारू मांगने के लिए गए थे और वहाँ पे उनको दारू न मिलने के बाद इनमें झगड़ा हो गया और दोनों लोगों ने लकड़ी से उसको मारा है, उसमें उसकी मृत्यु हो गई।